सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी कोड्स। माय नेम इज़ स्वास्तिक बनर्जी और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में। तो स्ट्रिंग मैंने आपको पहले ही समझाया था, स्ट्रिंग एक बेसिकली ऐसा आप मान सकते हैं कि वो एक बॉक्स जैसा है जिसके अंदर कई सारे कैरेक्टर्स स्टोर्ड होते हैं। एरे से ये अलग है क्योंकि एरे के अंदर एक स्ट्रिंग एरे भी हो सकता है, जैसे आपका नाम एक स्ट्रिंग है, मेरा नाम एक स्ट्रिंग है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक से ज़्यादा कैरेक्टर अगर प्रेजेंट है डबल कोट्स के अंदर, या फिर कुछ भी अगर डबल कोट्स के अंदर है तो उसी को कंप्यूटर जो है स्ट्रिंग मान लेता है। जैसे मान लीजिए ए है, डबल कोट्स के अंदर अगर ए है, बी है, या ए बी सी डी कुछ भी है, डबल कोट्स के अंदर अगर कुछ भी प्रेजेंट है तो वो जावा में आप समझ सकते हैं कि वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है, 100 कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। जैसे यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, दैट इज़ एसटी इक्वल्स टू, ये डबल कोट्स के अंदर मैंने कंप्यूटर को लिखा है। ठीक है, तो एसटी के अंदर ये जो स्ट्रिंग है ये स्टोर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, चाहो तो आप एक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, डजेंट मैटर, है ना। एक कैरेक्टर भी एक स्ट्रिंग हो सकता है अगर वो डबल कोट्स के अंदर है, लेकिन एक कैरेक्टर भी हो सकता है अगर वो एक सिंगल कोट के अंदर है। ठीक है, लेकिन आप दो कैरेक्टर्स एक सिंगल कोट के अंदर नहीं लिख सकते। ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा, दो कैरेक्टर आप सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिख सकते, वो एक स्ट्रिंग है तो आपको डबल कोट्स के अंदर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और स्ट्रिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, आई थिंक मैंने बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन इन जावा, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। स्ट्रिंग के बारे में मैंने डिटेल में समझाया है, वो पोर्ट्रेट में है, लेकिन आई थिंक फिर भी आपको समझ में आएगा। पिक्चर क्वालिटी अच्छा है, साउंड क्वालिटी शायद इतना अच्छा ना हो, माइक मेरे पास नया नहीं है, सो दैट्स वाई, यहाँ पे भी नहीं है, तो साउंड क्वालिटी शायद ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छा मिलेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। तो पहला जो फंक्शन है हमारा, अगर स्ट्रिंग को लेके आपको कुछ करना है, कोई प्रोग्राम करना है, उसको मैनिपुलेट करना है, आप कह सकते हो कि उसके अंदर से थोड़ा सा एलिमेंट निकाल के लाना है, कुछ ऐसा अगर कुछ करना है, तो स्ट्रिंग के फंक्शंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं यहाँ पे 7 आज समझा रहा हूँ, बाकी बहुत सारे हैं और भी कुछ हैं जो हम अगली वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीकेंड हम उनको भी समझेंगे, पहले इसको हम डिटेल में समझते हैं। ठीक है, इसको हम पहले डिटेल में समझते हैं, वेट क्लीन कर लो इसको। तो पहला हमारा है एसटी डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, सब स्ट्रिंग का मतलब क्या? मान लो ये एक स्ट्रिंग है, मान लो ये एक स्ट्रिंग है, तो उसका एक पार्ट वो हो जाएगा सब स्ट्रिंग। ऑब्वियसली अगर एक डिवीजन इतना है तो सब डिवीजन क्या होगा? उससे कोई छोटा एक पार्ट होगा, वही होगा सब डिवीजन। तो अगर ये एक स्ट्रिंग है तो ये एक इसका छोटा सा एक पार्ट, ये वाला ये क्या हो जाएगा? उसका सब स्ट्रिंग, छोटा छोटा बच्चा कह सकते हो आप, तो सब स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का बच्चा। ठीक है, सब स्ट्रिंग है स्ट्रिंग का बच्चा, आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो। तो सब स्ट्रिंग का मतलब क्या? एस टी डॉट सब स्ट्रिंग एम कॉमा एन, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने कंप्यूटर को पास किया है, एस टी का वैल्यू क्या है? कंप्यूटर। तो एम और एन का कोई एक वैल्यू होगा, फॉर एग्जांपल कुछ तो होगा, 0.5 आपने अगर मान लो एंटर किया है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हर स्ट्रिंग का अपना एक इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब पोजिशन होता है, कौन से पोजीशन में कौन सा कैरेक्टर है। जैसे एरे का होता है वैसे स्ट्रिंग का भी होता है, जैसे ये 0 से स्टार्ट होता है, पहला 0 है, तो यहाँ पे मैंने 0.5 एंटर किया है, तो ये चेक करते हैं, 0 ये वाला 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। ठीक है, टी तक 5 है, मतलब क्या? ये जो टी वाला है ये है 5 इंडेक्स, हमने दोनों इंडेक्स पास किए थे डॉट सब स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, आपको ये एक बात ध्यान रखना है कि ये जो 5 है ये नॉन इंक्लूसिव है, मतलब क्या? ये 5 का जो इंडेक्स, जो 5 एक इंडेक्स है, यहाँ पे जो कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट होगा वो कैरेक्टर इंक्लूड नहीं होगा। दैट मीन्स ये कहाँ तक आएगा आपके पास, इसका रिटर्न मतलब क्या आपके पास मिलेगा? COMPU आपको यू तक ही मिलेगा, टी रिटर्न नहीं करेगा, टी आपको नहीं मिलेगा। इसका जो रिटर्न होगा, मतलब इसको आप यूज़ करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा। ठीक है,
ये मैंने कैपिटल में लिखा है, बट यहाँ पे जैसा है आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा, ठीक है, कैपिटल में लिखा है ताकि ईजी हो मुझे लिखने में, अदरवाइज जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही आपको मिलेगा, सिर्फ वो यू तक आएगा, टी तक आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे सिक्स एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो एन है आपको ये समझना पड़ेगा वो नॉन इंक्लूसिव है, मतलब ये वो इंक्लूड नहीं करेगा n-1, मतलब वो जो ये जो कैरेक्टर्स वो लेगा उसका इंडेक्स होगा m2 n-1, ठीक है, आपको इतना समझ के रखना है, ठीक है, m2 n-1। एक और बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये जो m है ये हमेशा n से छोटा ही होगा, ठीक है, सेम सेम हो सकता है लेकिन छोटा, मतलब उसको बड़ा नहीं कर सकते आप, m बड़ा है n छोटा है ऐसा नहीं कर सकते, क्यों ना, क्योंकि ये हमेशा स्मॉल इंडेक्स ही होगा, पहला इंडेक्स हमेशा स्मॉल ही होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कैसे आ सकता है ना, ऐसा नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं किया जा सकता, तो आपको वैसे ही इंटर करना पड़ेगा, ऐसे ही आपको चलना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स, मतलब हम एक सेकेंड स्क्रीन कर लूँ, यहाँ तक आपने शायद नोट कर लिया होगा आई होप, या तो आप वीडियो को प्लेबैक करके उसको नोट कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे इसके अंदर हमने दो कैरेक्टर्स दो पास करे हैं वैसे, लेकिन आप अगर चाहे तो यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपको दो पैरामीटर्स पास करने हो, आप एक पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, अगर आप कोई एक पैरामीटर पास करते हैं, मान लो 5 मैंने पास किया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 5 से यानी टी से उसके लास्ट तक जितना भी कैरेक्टर्स है वो सारा ले लेगा, यानी टी ई आर वो रिटर्न करेगा, अगर सिर्फ 5 आपने उसके अंदर पास किया, तो अगर 0 पास किया तो वो सारा ले लेगा, पूरा कंप्यूटर ही आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है, इसका रिटर्न एक स्ट्रिंग ही होगा जो एक पार्ट होगा इस स्ट्रिंग का, कंप्यूटर भी इस स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है, OMPUTER वो भी इसका ही पार्ट है, ठीक है, तो अगर आप कोई एक वैल्यू इसके अंदर एंटर करते हैं दैट मीन्स उस इंडेक्स से लास्ट तक वो सारा जो कैरेक्टर्स है वो एक साथ आपको रिटर्न कर देगी। दो अगर आप दो वैल्यूज़ आप इसके अंदर इंटर करते हैं तो जो पहला m होगा m से n-1 तक वो जाएगा, इतना आपको आई थिंक समझ में आया होगा, इसका रिटर्न होगा एक स्ट्रिंग ही आपको रिटर्न करेगा जो एक सब स्ट्रिंग होगा उसका, मतलब छोटा बच्चा होगा इस बड़े वाले स्ट्रिंग का, ठीक है, रिटर्न टाइप इसका स्ट्रिंग ही होगा। अच्छा दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला है आपका ये डॉट इक्वल्स, ये हमने पहले भी कुछ प्रोग्राम्स थे जो हमने किए थे और उसमें हमने इसको यूज़ किया था, अगर होप आपको याद हो, अगर आपने देखा हो तो st.equals st2, मान लीजिए st2 एक और ही एक स्ट्रिंग है, ठीक है, दो स्ट्रिंग इक्वल कैसे हैं, कैसे पता चलेगा, अगर दो कैरेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ए है सिंगल कोट के अंदर, इक्वल इक्वल से आप इसको चेक करोगे, आपको ये पता होगा आई थिंक कि इक्वल इक्वल से आप उसको चेक कर सकते हो अगर वो एक कैरेक्टर है तो, लेकिन अगर वो एक स्ट्रिंग है तो इस तरीके से उसको चेक नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर वो डबल कोट्स के अंदर है कोई भी कुछ भी तो ऐसे आप चेक नहीं कर सकते, वो आपको एक एरर शो करेगा, ठीक है, इस तरीके से आप चेक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग दूसरे स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं, इसके लिए आपको एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और वो है ये वाला फंक्शन, वो है ये वाला फंक्शन st.equals। ये डॉट इक्वल्स मतलब क्या, क्या st इक्वल है st2 के, ये चेक करेगा और आपको या तो ट्रू आपको रिटर्न करेगा और आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, कुछ भी एक आपको रिटर्न कर सकता है, ठीक है, या तो आपको वो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर आपको वो फॉल्स रिटर्न करेगा, अगर वो मैच करता है तो वो ट्रू
रिटर्न करेगा, अगर वो रिटर्न अगर वो मैच नहीं करता तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। इतना तो बेसिक है, इतना हमें समझ में आता है, लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि ये केस सेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कंप्यूटर क्या सी कैपिटल में है, बाकी सारा स्मॉल लेटर में है, लेकिन अगर मैं एक ऐसा लिख कुछ लिखता हूँ, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूँ जिसमें सी जो है कैपिटल में है, ओ जो है वो कैपिटल में है, एम कैपिटल में है, पी कैपिटल में है, मतलब क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ, दैट इज़ लिख ही देता हूँ, कंप्यूटर मार्क में सारे कैपिटल में है, ठीक है। तो ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स जो हैं, या अपर केस और लोअर केस लेटर्स जो होते हैं, ठीक है, इन लेटर्स की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ता है। मान लो यहाँ पे ये ना एग्जैक्टली सिमिलर होना चाहिए, अगर ये जो मैंने कंप्यूटर लिखा है ये और ये मैच नहीं करेगा, इतना आपको समझ में आना चाहिए। हर जो हर एक कैरेक्टर का जो केस है, मतलब जो वो अपर केस में है या लोअर केस में है, वो भी मैटर करता है इसमें, इस फंक्शन में। उसके लिए अगर आप कुछ चाहते हो कि जो केस है वो मैटर नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे वो अपर केस में है लोअर केस में मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस जानना है दोनों चीज़ें इक्वल है कि नहीं। आप हमारी इंसानों की नज़रों से देखोगे तो ये इक्वल ही है, ये कंप्यूटर है और ये भी कंप्यूटर है, सिर्फ कैपिटल एक कैपिटल में है एक स्मॉल में है, ऐसा कुछ है। बाकी कंप्यूटर तो कंप्यूटर होता है, मतलब जो वर्ड है वो तो वर्ड ही है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एक अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग है, जावा के लिए दोनों अलग अलग है। तो आपको उसके लिए एक और फंक्शन है, वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए एक और फंक्शन है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा, और वो है इंक्रीज कर लेते हैं, और वो है डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है, डॉट इक्वल्स इग्नोर केस। ये वाला जो फंक्शन है, मतलब एसटी डॉट इक्वल्स इग्नोर केस के अंदर अगर आप एसटी टू लिख देते हैं, मतलब अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो अपर केस लोअर केस वाला जो मैंने बताया आपको, वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, वो उसको इग्नोर कर देगा, ठीक है। ये वाला फंक्शन उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ये दोनों ही फंक्शन यूज़फुल है, ज़्यादातर यही फंक्शन यूज़ होता है, मुझे तो ये वाला फंक्शन बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको भी चाहो तो वही यूज़ कर सकते हो, अगर आपको नहीं चाहिए कि अपर केस और लोअर केस मैटर करे, ठीक है, मैं तो नहीं चाहता एटलीस्ट। कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स में होता है कि इक्वल्स भी यूज़ करना पड़ता है, डजंट मैटर, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है लास्ट इंडेक्स ऑफ एस टी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, एक दूसरा भी है इंडेक्स ऑफ, पहले इसको डिस्कस करते हैं, इंडेक्स ऑफ एस टी डॉट इंडेक्स ऑफ। आप समझ ही गए होंगे इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कि ये जो ए है इसके अंदर, ये ए कहाँ प्रेजेंट है, ये जो कैरेक्टर मैंने इसके अंदर, ये कैरेक्टर ही आपको एंटर करना पड़ेगा, पैरामीटर में आपको एक कैरेक्टर ही एंटर करना पड़ेगा, कैर, ठीक है, कैरेक्टर ही इसके अंदर आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है। एस टी डॉट इंडेक्स ऑफ दिस कैर, ये जो कैरेक्टर है, मतलब ये जो पूरा स्ट्रिंग है इसके अंदर ए कौन से पोजीशन में है, जो जीरो से स्टार्ट होता है, जो पोजीशन जीरो से जो लास्ट तक है उसमें कौन से पोजीशन में ये ए है, बट कंप्यूटर में तो ए है ही नहीं, तो वो रिटर्न क्या करेगा, अगर कुछ अगर वो कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट ही नहीं है उस स्ट्रिंग में, तो वो रिटर्न कर देगा -1, ठीक है, तो वो रिटर्न कर देगा -1, माइनस नेगेटिव कोई इंडेक्शन वही इंडेक्स जो है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ज़ीरो से स्टार्ट होता है और वो पॉजिटिव में ही रहता है हमेशा, ठीक है, ज़ीरो से नीचे कभी वो नहीं जाता। तो अगर वो -1 रिटर्न करेगा, दैट मीन्स वो जो कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे ए की जगह अगर टी होता तो क्या होता, टी का इंडेक्स क्या होता, आप सोचिए, सी का क्या है 0, ओ का 1, एम का 2, 3, 4, 5, तो क्या यहाँ पे रिटर्न करता, वो यहाँ पे वो रिटर्न करता 5, अगर वहाँ पे टी हमने एंटर किया होता ऐसा कैरेक्टर, ठीक है। तो वो एक इंट आपको इंटीजर वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा, जो होगा इंडेक्स उस कैरेक्टर का, तो कैरेक्टर उस स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट है भाई,
मुझे जानना है कि वो जो स्ट्रिंग के अंदर जो कैरेक्टर मैंने पास किया वो कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पे है। ठीक है, अच्छा दूसरा है लास्ट इंडेक्स ऑफ, एसटी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ मतलब क्या, ये जो कैरेक्टर है पूरे स्ट्रिंग के अंदर बहुत बार हो सकता है, एक से ज़्यादा बार हो सकता है ना, पहली बार हो सकता है, दो बार, तीन बार, चार बार, 100 बार भी हो सकता है। तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा कि जो लास्ट पोजीशन है इस कैरेक्टर का इस स्ट्रिंग के अंदर वो लास्ट पोजीशन कौन सा है, मतलब जो लास्ट टाइम ये जो कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग के अंदर कहाँ पाया गया था भाई, है ना। तो वही वो एंटर करेगा, वही वो रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ पे ए मैंने दिया ज़रूर है बट ए इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो -1 वो रिटर्न करेगा। अदरवाइज़ अगर फिलीपींस या ऐसा कोई मैंने एंटर किया होता, यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह फिलीपींस मान लो, वहाँ पे दिया हुआ था एस टी डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एल, तो जो लास्ट इंडेक्स होता फिलीपींस में एल का वो रिटर्न कर देते। तो सेम एज इंडेक्स ऑफ, ये जो इंडेक्स ऑफ वाला फंक्शन है उसी के जैसा ही है, इंडेक्स ही रिटर्न करेगा बट लास्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा, लास्ट टाइम ये कहाँ पाया गया था इस स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, पांचवा हमारा है एस टी डॉट कैर एट 0, ये हम बहुत बार यूज़ करते आए हैं डॉट कैर एट वाला फंक्शन जो है, बट हमने वो स्कैनर में आई थिंक यूज़ किया है, स्कैनर से कोई भी इनपुट लेने के वक्त हमने, कोई कैरेक्टर इनपुट लेने के वक्त हमने ये किया था, है ना, बहुत बार किया। डॉट कैर एट का मतलब क्या है, वो आपको एक कैरेक्टर रिटर्न करेगा, ये है इंडेक्स, ये 0 जो है ये है इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ द कैरेक्टर, यहाँ पे आप इंडेक्स पास करते हो आपको कैरेक्टर रिटर्न करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप कैरेक्टर पास करते हो आपको इंडेक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप कोई भी कैरेक्टर पास कर देते हो, अगर वो कैरेक्टर इसके अंदर प्रेजेंट है तो वो इंडेक्स वो रिटर्न कर देगा, आई मीन वो कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा अगर कोई इंडेक्स आप पास करते हो तो। जैसे 0 मैंने यहाँ पे पास किया है तो वो हमें सी रिटर्न कर देगा क्योंकि सी का जो इंडेक्स है वो 0 है। ठीक है, छठा हमारा है एस टी डॉट टू लोअर केस, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा, ये जो पूरा स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब ये जो सी है जो अपर केस में है इसको वो लोअर केस में छोटा कर देगा, ओ को छोटा कर देगा, एम को छोटा कर देगा, पी जो छोटा ही, जो लोग लोअर केस में ही है वो लोअर केस में ही रहेंगे और बाकी जो अपर केस में है वो भी लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब ये जो पूरा स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो पूरा स्ट्रिंग है वो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही है एस टी डॉट टू अपर केस, ये इसको फुल अपर केस में कर देगा, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे अपर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर केस। ठीक है, सी जैसे अपर केस में है तो सी वैसा ही रहेगा, बाकी जो सारा स्ट्रिंग है वो भी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो स्ट्रिंग आपको वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसके अलावा एक और है फंक्शन, वो भी मैं सोच रहा हूँ डिस्कस कर ही दूँ, यहाँ पे हम कर सकते हैं, वैसे एक सेकेंड, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, देखते हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, आसान है भाई, आसान है, एक सेकेंड। तो वो हमारा है एस टी डॉट लेंथ, जो हमने पहले भी यूज़ किया है बहुत बार, एस टी डॉट लेंथ वाला फंक्शन। एस टी डॉट लेंथ क्या करेगा, वो इसका लेंथ फाइंड आउट कर देगा कि जो स्ट्रिंग मेरा है ये स्ट्रिंग कितना बड़ा है भाई, इसकी जो इसका जो मेजरमेंट है क्या है, समझिए ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ये जो स्ट्रिंग है कंप्यूटर, ये इसका जो लेंथ है वो क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो वो रिटर्न करेगा 8, तो ये रिटर्न कर देगा 8, क्योंकि लेंथ क्या करता है, ये काउंटिंग शुरू करता है 1 से, 1, 2 जो लास्ट तक होगा वो 1 से काउंटिंग शुरू करता है, लेकिन जो इंडेक्स है वो 0 से शुरू होता है, तो 0 से ये जो लेंथ है, लेंथ का जो वैल्यू है उससे 1 सब लेस जाएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट वैल्यू होगा इंडेक्स का वो है एस टी डॉट लेंथ -1, एक कम होता है 0 से लेंथ का, एक कम, ठीक है, लेंथ एक ज़्यादा होता है।
वन से काउंट करता है तो ज़्यादा होता है, और इंडेक्स जीरो से काउंट होता है इसलिए वो एक कम है। तो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा मिला होगा इस वीडियो से, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शंस के बारे में आपको जानने को मिला होगा। अगली वीडियो में हम थोड़े और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ओके, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू।